साथियों सबको लाल सलाम जो जस्टिस पाटिल ने बोला और जो लोग यहाँ से बोले मंच से मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ और दोबारा वही बात नहीं दोहराना चाहती हूँ लेकिन अगर आप एक सिंपल सी बात के बारे में सोचें 1990 के आसपास इस देश में दो ताले खोले थे एक बाबरी मस्जिद का ताला और एक बाजार का ताला और उसके बाद जो इस समय हो रहा है उसका नतीजा है बाजार का ताला खोल के इस पूरे देश के गरीब के जो जमीन है जो नौकरी है जो शिक्षा है सब छीना जा रहे हैं और कंपनी को दिया जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ने के बाद ये जो हिंदुत्ववादी की फांसीवादी एक दूसरा किस्म का लड़ाई शुरू किया है लेकिन इस देश में 1947 से एक भी दिन नहीं रहा है एक भी दिन नहीं रहा है जिसमें सेना को अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ डिप्लॉय नहीं किया गया है उसका अगर आप लिस्ट देखेंगे मणिपुर नागालैंड असम कश्मीर पंजाब बंगाल कौन से लोग थे ये आदिवासी लोग थे क्रिश्चियन लोग थे सिख लोग थे मुसलमान थे दलित थे बहुजन थे तो इससे हमें साफ इतना पता लगता है कि एक छोटा सा मुट्ठी भर ब्राह्मण बनिया के जात के लोग ये देश चला रहे कंपनी बड़े बड़े कंपनियों का नाम लेके देखो कौन कौन सी जात के हैं वो सारे लोग मीडिया का ओनरशिप है उनके एडिटर्स देखो या कोर्ट के जजेस देखो कौन सी जात के लोग हैं ऐसे हमें जैसे जस्टिन पाटिल ने कहा जब तक हम जातिवाद और पूंजीवाद दोनों को नहीं समझेंगे तब तक हमें इस देश का इंजन जैसे चलते हैं कभी नहीं समझ पाएंगे हम दोनों को समझना पड़ेगा और दोनों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये लोग अभी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो तो पहले कांग्रेस से ही आए हैं लेकिन अभी वो भारत जलाओ पार्टी बन गया है और एक एक के खिलाफ लड़े मुसलमान हिंदू दलित ओबीसी इस सब हमको एक के एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं और अब हमने जैसे 2008 में ऐसे ही मंच पे साई बाबा थे रोना थे सुरेंद्र गैडलिंग थे मैं थी हम लोग सब ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ लड़ रहे थे तभी उनको पकड़ के एक एक करके जेल में डाल दिया और जैसे जस्टिस पाटिल ने कहा जो लोग इस देश में हजारों को मारते हैं जो लोग इस देश में हजारों को मारने का कार्रवाई करते हैं वो अभी पार्लियामेंट में बैठे हैं और उनके लिए हमारे लिए सिर्फ उनको इलेक्शन में हराने का काम नहीं है उनको जेल भेजने का काम है और जो जज थे जो अमित शाह के पूरा ट्रायल सीबीआई कोर्ट में करवा रहे थे वो जज बड़े अजीब तरीके से मर गए उसका इंक्वायरी करेंगे नहीं उसका इंक्वायरी नहीं करेंगे लेकिन आपको पकड़ के जेल में डालेंगे मुझे पकड़ के जेल में डालेंगे हमें कहेंगे कि हम देश के खिलाफ बोलते हैं देशद्रोही हैं ये है वो है तो अभी आगे आने वाले कुछ महीने बहुत ही खतरनाक महीने होंगे अभी असम से शुरू किया है उन्होंने जो काम शुरू किया असम से वो बंगाल में लाएंगे वो दिल्ली में लाएंगे क्या कह रहे हैं
कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन असली भारतीय है और बाकी को कागज नहीं मिलेगा, वोट नहीं करने देंगे, आधार कार्ड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, क्या होगा इस देश में? अगर हम लोग सब वैसे आप देखेंगे तो पूरा इस देश एक एक माइनॉरिटीज के देश है। हम एक दूसरे से लड़ने शुरू करेंगे तो हजार साल तक आग नहीं बुझेगी, हजार साल तक। और ये भारत जलाओ पार्टी माचिस लेके खड़े हैं इलेक्शन के पहले। माचिस वाला पार्टी है ये, माचिस लेके हर जगह में आग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत गौर से देखना होगा कि आगे इलेक्शन तक क्या होने वाले हैं, क्योंकि वे डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि वो हार के तख्त पे खड़े हैं, तो क्या क्या नहीं करेंगे अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या झूठ नहीं फैलाएंगे। वो लोग लव जिहाद के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन ये तो नफरत का जिहाद वाला पार्टी है ना, नफरत फैलाने नफरत जिहाद वाला पार्टी है ये। तो इसके खिलाफ हमें, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हमेशा कांग्रेस में अपना बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों को इस संसद से निकालना ही पड़ेगा इस बार। जिंदाबाद, लाल सलाम।